लर्न टू लिव टूगेदर। गृह में उपस्थित बाल कल्याण परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर जय श्री सिद्धा जी, सचिव श्री एल एन बांगड़ जी, अन्य सभी अधिकारीगण तथा उपस्थित सभी गणमान्य जन, माता बहनों, पत्रकार मित्रों, प्यारे बच्चों, देश के विभिन्न प्रांतों से आए बच्चों का मैं राजस्थान की ओर से इस धरती पर अभिनंदन करता हूं। आप सभी के साथ यहां उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह जो इस तरीके की शिविर है उनकी सबसे बड़ी विशेषता ही यही होती है कि हम मिलजुल कर रहते हुए बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मुझे बताया गया है कि देश के 16 राज्यों के 100 छात्र छात्राएं इस शिविर में भाग ले रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने यहां देखा होगा कि एक दूसरे प्रांत से भाषा, रहन सहन, खान पान आदि में भिन्नता होते हुए भी भीतर से आप सभी एक हैं। यही विविधता में एकता की भारतीय संस्कृति है। एक साथ यदि आप इस तरह शिविर में नहीं रहते तो विविधता में एकता को व्यवहार में शायद समझ ही नहीं पाते। इसीलिए मैं बाल कल्याण परिषद का इस आयोजन के लिए अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। मुझे लगता है ऐसे शिविर सामूहिकता की भावना को बढ़ाते हैं। आप सभी बच्चों ने शिविर में साथ रहते इस बात का अनुभव किया होगा कि दल भावना से समूह के अंदर कार्य करने से कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। जब दूसरे को कार्य करते देखते हैं तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के चलते हमारे अपने प्रदर्शन में सुधार होता है और इससे बहुत से स्तरों पर कार्यकुशलता भी बढ़ती है। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं हैं, बोलियां, अलग अलग रीति रिवाज हैं, त्योहार हैं, पर इन सब के बावजूद सांस्कृतिक दृष्टि से हम सभी एक हैं। इसलिए कि हमारी संस्कृति में आरंभ से ही मिलजुल कर रहना सिखाया गया है। एक दूसरे की भावनाओं, परंपराओं के प्रति सम्मान करने की शिक्षा से ही भारत विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखता है। आप लोगों ने गिजू भाई का नाम सुना है, हो सकता है कुछ ने सुना हो कुछ ने नहीं भी सुना हो, परंतु मैं आप सभी को बताता हूं कि उन्होंने कैसे बच्चों की शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। हमारे देश में सबसे पहले गुजरात के भावनगर में दक्षिण मूर्ति बाल मंदिर नाम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय यानी नर्सरी स्कूल गिजू भाई ने ही खोला। उन्होंने पाठ पुस्तकों और रटंत विद्या की बजाय किस्से, कहानियां, नाटकों, गायन, नृत्य और चित्रों के जरिए खेल खेल में ही बच्चों को बहुत कुछ सीखने की शुरुआत कराई। उनकी एक लंबी कहानी है दीवा स्वप्न, इसमें उन्होंने अपने खुद के अनुभव बच्चों की अपेक्षाओं के बारे में लिखा है। इसे बाल शिक्षा के नए रूप के संविधान के रूप में जाना जाता है। बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करते वह खुद बच्चों में इतने घुलमिल गए थे कि उन्होंने उन्हें इतना प्रेम दिया कि उन्हें सभी मूछों वाली माँ के नाम से जानने लगे थे गिजू भाई। मैं मानता हूं यह जो शिविर साथ साथ रहने के उद्देश्य से आयोजित किया जा गया है वह गिजू भाई द्वारा साथ रहते कैसे अपने आप बहुत कुछ सीखा जाता है इसे ही एक तरह से साकार करने वाला है। आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जब आप शिविर में आए थे तब और अब कितना कुछ बदल गया है।
जब तक हम घर पर रहते हैं घर से बाहर की दुनिया को ढंग से जान ही नहीं पाते। ऐसे शिविरों में जब साथ रहते हैं तो जो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं वही जीवन में बाद में बहुत काम आता है। आप सभी ने यहां बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया, पुरस्कार जीते, यह बहुत अच्छी बात है। जो जीते हैं उन्हें बधाई और जो नहीं जीते हैं उन्हें भी ढेर सारा प्यार। उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया, मन से जीतने का प्रयास किया, यही बहुत बड़ी बात है। आप सभी खूब पढ़े, आगे बढ़े, ऐसे ही समूह में रहते एक दूसरे के काम आने की भावना का आप सभी में विकास होता रहे, यही हमारी संस्कृति है। सभी बच्चों को मैं अपनी ओर से ढेर सारा प्यार और स्नेह देता हूं। अभी प्रश्न के द्वारा एक लड़के ने पूछा, साहब आप इस बड़ा के शिविर में कभी भाग लिए हैं? मैंने उनको कहा मैंने भाग लिया है, मैंने कई शिविरों में भाग लिया है। शिविरों का अनुभव बड़ा ही आनंददायी होता है, उसमें कभी कभी कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करने पड़ते हैं, लेकिन उस कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करने में भी एक अद्भुत प्रकार का आनंद की अनुभूति होती है, अद्भुत प्रकार का लोगों को सुख जैसा लगता है। उसमें इतना सीखने को मिलता है कि जो आगे के जीवन में बहुत काम देता है। सामूहिक जीवन के साथ व्यवहार कैसा करना, सामूहिकता के साथ अपने को समायोजित कर, अपने को उनके साथ एडजस्ट करते हुए कैसे चलना, एक दूसरे के भावना का सम्मान कैसे करना, दूसरे के अंदर अगर कोई गुण है तो उस गुण को अपने अंदर कैसे आत्मसात करना और अपने अंदर के जो दुर्गुण हैं उनको कैसे किनारे फेंकना, इस प्रकार की भी प्रवृत्ति जागृत होती है और इस प्रकार की भी प्रवृत्ति जागृत होती है। कोई अगर बड़ा काम करता है, अच्छा काम करता है, तो उनसे अच्छा काम मैं कर रहा हूं, इस प्रकार की भी प्रवृत्ति लोगों के मन के अंदर जागृत होती है और उस प्रवृत्ति के आधार पर वो काम भी करता है। लेकिन कभी कभी इसके विपरीत ही होता है, लोग लगता है कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये तो हम सब उससे आगे बढ़ जाए, तो उसको किसने से रोकना चाहिए, तो अपने तरफ से उसके अंदर बाधा पैदा करने की कोशिश की जाती है, उसकी शिकायत सब दूर की जाती है, उसके गुणों को कमियों के रूप में गिनाने का प्रयास किया जाता है। ये भी बहुत से लोग शिविर के अंदर करते हैं, जिनको लगता है कि गिटार हमसे तेज है, हमसे ज्यादा आगे निकल सकता है, तो मन के अंदर ईर्ष्या होती है और ईर्ष्या के कारण उसको हम नीचे कैसे दिखा दें, यह भी प्रयास करने की लोग कोशिश करते हैं। यह खतरनाक, इसको नहीं करना चाहिए। सामूहिक जीवन के साथ ईर्ष्या से ग्रस्त होकर हर कोई प्रकार की हरकत करता है जिससे सामने वालों को दिया हो कष्ट हो, वो ठीक नहीं होता है, वो जीवन में आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करता है। इसे शिविर में एक दूसरे के व्यवहार से सीखना, क्योंकि यहां कई प्रांतों के लोग हैं, लोगों को एक प्रांत के दूसरे प्रांत की भाषा के बारे में जानकारी नहीं होगी, एक दूसरे प्रांतों के धर्म सहन के बारे में जानकारी भी नहीं होगी, तो कैसे लोग रह रहे हैं, क्या खाते हैं, इनके खान पान की विशेषता क्या है, इनकी सांस्कृतिक और सभ्यता की विशेषताएं क्या है, उसको भी देखने का अनुभव मिलता है, उसको हम कैसे सीखे और अपनी अच्छी चीज इनके अंदर हम कैसे डाल सके, ये भी करने की आवश्यकता होती है। और इस भाव से हम जो 16 प्रांत के लोग यहां आए हैं एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को अपने यहां के विशेषताओं के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, अपने आचरण व्यवहार से स्वयं दिखाने की कोशिश करेंगे
देखो हम केरला के हैं तो केरला की विशेषता ये है, देखो हम छत्तीसगढ़ के हैं तो छत्तीसगढ़ की विशेषता ये है। दोनों की विशेषताएं अगर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगी तो समाज को चलाने में बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और ये शिविर, ये 16 लाख की जो लगाए हुए हैं ये शिविर के रूप में है, अगर इसको सही माने में अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास किया गया, जहां भी हम जाएंगे अपने प्रदेश में जाएंगे तो उसी प्रकार के आचरण व्यवहार से लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसलिए शिविर का स्वयं के जीवन में बड़ा महत्व है और इस महत्व को धारण करते हुए हम उसके अनुसार व्यवहार करें, उसके अनुसार अपने को ढालने का प्रयास करें तो मैं समझ सकता हूं कि निश्चित रूप से शिविर की अपनी विशेषता होगी और उसकी अपनी सफलता होगी। इतनी बात मुझे लग रही थी, आपके बीच में हमने व्यक्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद।